ग्रेवी गई इसके अंदर। मच डालना है, एक किलो की रेसिपी बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है। ऐसे जब ऐसे करने लग जाए ना, समझ लो कि अब हमारा मसाला अच्छे से भुना गया। पटना है ये, ध्यान रहे मछली कहीं टूट ना जाए। तो अगर आप इसको ज़्यादा चलाएंगे ना तो आपके पीस टूटते रहेंगे। ये देखिए कोई पीस नहीं टूटा हुआ, बहुत ही शानदार में ये बना है। तो आप इसको ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि आपकी फ़िश ग्रेवी कैसे बनी है। तो चलो भाई आज बनेगी फ़िश ग्रेवी। फ़िश ग्रेवी ठीक है, ये फ़िश देखिए कितनी फ्रेश है, एकदम फ्रेश फ्रेश फ़िश। फ़िश ग्रेवी बनाना सिखाएंगे 2 मिनट के अंदर। ये देखिए ये हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है, पीस ली है। ग्रेवी कैसे बनेगी, अगर आपको ग्रेवी बनानी है और आप हमसे पूछना चाहते हैं भाई ये कैसे बनेगी, तो इसके लिए अलग से वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। ग्रेवी ये लो भाई, ये कढ़ाई हमने रख दी है, 5 ऑयल ठीक है, ये बड़ा चम्मच है मतलब एक करछी है। तो आप अपने हिसाब से तेल डालें भाई, इतना तेल तो ग्रेवी में खपता है, ठीक है। तो अब डालते हैं इसमें जीरा, जीरा डाल दें और जीरे को अच्छे से तिड़कने दें। जब ये तिड़क जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे ग्रेवी। ये ग्रेवी गई इसके अंदर। ये प्याज टमाटर और शिमला मिर्च की ग्रेवी है, प्याज टमाटर और शिमला मिर्च की ग्रेवी है। इसमें 2 प्याज 2 टमाटर और 2 शिमला मिर्च, अदरक और लहसुन डाला गया है और 5 हरी मिर्च। तो इस तरह से ग्रेवी बनी। अगर आप कहेंगे ना कि इस ग्रेवी की अलग से वीडियो बना दो तो वो भी मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। ये को तो धनिया पाउडर, ये देख लीजिए धनिया पाउडर मैंने इतना डाला है। ये आ गया रेड चिल्ली पाउडर, क्योंकि हरी मिर्च ग्रेवी में डाली हुई है पहले से। ये आ गई हल्दी, तो ये आ गया घर का बना हुआ गरम मसाला। थोड़ा सा डालना मसाला, ज़्यादा ना डालें, आप किसी भी कंपनी का मीट का मसाला लाएं और वो 1 चम्मच डालना है। 1 किलो की रेसिपी बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस ग्रेवी में जाएगी, काली मिर्च पाउडर इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो ये डाल दें आपने, अच्छे से चलाएंगे। आँच को मैंने धीमी कर दिया था जब मसाले डाल रहा था, आपको भी यही करना है, आँच को तेज़ कर दें और इसको अच्छे से चलाएं। ये ध्यान रखना जब तक ऑयल को नहीं रिलीज़ करती है तब तक समझ लेना ग्रेवी पकी नहीं है, टेस्टी नहीं बनेगी। जब ये तेल ऊपर आ जाएगा तब समझना ग्रेवी पक गई है। अदरक लहसुन का पेस्ट, ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट आपको 1 बड़ा चम्मच डालना है। ये 5 रुपये का पैकेट मिलता है भाई, इतना ही डालें आप, ठीक है जी। इसको अच्छे से डालें और इसको इस तरह से चलाएं। अब इसको चलाना है कम से कम 1 मिनट, उसके बाद हल्का हल्का इसमें पानी ऐड करेंगे। आपको मैं बताऊँगा फार्मूला कि ग्रेवी तेल कैसे छोड़ती है। कई लोग क्या करते हैं यहीं पे फिश ऐड कर देते हैं तो उनकी फ़िश भी टेस्टी नहीं बनती है, इस बात का ध्यान रखना। ग्रेवी तेल कैसे छोड़ेगी, आप इसको और थिक होने दें। ये देखिए जैसे अभी थिक हो रही है ना, इसको और थिक होने दें, पर ये भी ध्यान रहे कि नीचे लगे नहीं है, नीचे जले नहीं है। देखो आप कढ़ाई देख रहे हो एकदम से साफ़ है, तो ये जलनी भी नहीं चाहिए, एकदम जैसे हलवा होता है ना, हलवा हलवा टाइप इसको बनाना है। ये देखो देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देखो ऐसे। जब ऐसे करने लग जाए ना समझ लो कि अब हमारा मसाला अच्छे से भुना गया। पानी लेना है इतना, कम से कम 1 बड़ा चम्मच, और इसमें डाल देना है। ये देखो अब इसको अच्छे से हिलाना है। ये देखिए दोस्तों ग्रेवी में तेल आप देखिए ऊपर अच्छे से आ गया है। अब हम इसमें मछली के पीसीस को ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपको मछली के पीसीस को ऐड करना है। अच्छा ध्यान रहे इसको कम से कम 1-1.5 मिनट आपको हिलाना नहीं है, आपको इस तरह से ऐड करना है, ठीक है। देखिए अब देखिए इसको कम से कम 1 मिनट हो गया है। अब हम इसको हल्के हाथों से पलटेंगे ऐसे। ये देखिए जो नीचे थे ना, ये देखो ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं नीचे से। इस तरह से आपको हल्के हल्के हाथों से पलटना है, ये ध्यान रहे मछली कहीं टूट ना जाए। इसमें कम से कम 1 से 1.5 कटोरी पानी डालेंगे, क्योंकि ग्रेवी ज़्यादा थिक हो जाएगी तो इतनी थिक ग्रेवी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम इसको खा रहे हैं राइस के साथ, यानी माछी भात, मछली और भात, ठीक है जी। भात मतलब राइस चावल। तो इसमें थोड़ा सा हम और डालेंगे क्योंकि इतना हमें तैयार चाहिए, तो थोड़ा सा और डालेंगे। अच्छा अब इसको आपने पकाना है मीडियम आंच पे 15 से 20 मिनट इसको कुक करना है, ठीक है जी। थोड़ा सा पानी, ग्रेवी देख रहे हैं आप कितनी थिक है, कितनी बढ़िया से बनी। और जब इसमें मछली जब पकेगी तो मछली का रोगन भी इसमें आ जाएगा। ये देखिए 1 कटोरी पानी मैंने और डाल दिया, तो 2 कटोरी पानी इसमें डाल दिया है। अब इसमें लगा देंगे ढक्कन और 15 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। बार बार इसको हिलाना नहीं है, अगर आप हिलाओगे तो आपके मछली के सारे पीस टूट जाएंगे, क्योंकि मछली होती है बहुत ही सॉफ्ट। तो इस तरह से आप इसको ढक्कन लगा दें और फ्लेम को करें मीडियम, मीडियम टू हाई, थोड़ा सा हाई रखना है मीडियम से। भाई कैसे बनी है हमारी फ़िश ग्रेवी,
ये देखिए तेल धीरे धीरे ऊपर आने लग गया है। ये देखिए कितनी बढ़िया से बनी है, एकदम से रोगन ऊपर आ गया। देखो इसमें हमने कोई देगी मिर्च नहीं डाली, कोई कुछ नहीं डाला, घर का मसाला इसमें डाला है। अच्छा एक क्वालिटी आपको बताऊँ फिश की, इसकी एक क्वालिटी आप देख लीजिए, इसके पीस देखें आप, कोई पीस यहाँ पर टूटा नहीं हुआ। ये देख लीजिए पीस, कोई टूटा नहीं हुआ, ये देख लीजिए एकदम बढ़िया बढ़िया पीस पड़े हैं सारे। तो अगर आप इसको ज़्यादा चलाएंगे ना तो आपके पीस टूटते रहेंगे। ये देखिए कोई पीस नहीं टूटा हुआ, बहुत ही शानदार में ये बना है। थोड़ी देर में ये पूरी कढ़ाई रोगन से भर जाएगी, थोड़ी देर में। तो आप भी इसको ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि आपकी फ़िश ग्रेवी कैसे बनी है। तो चलो भाई हम तो इसको चावल के साथ खाते हैं।